हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। आज का टॉपिक है, जो करंट टॉपिक है हमारे समाज में चल रहा है, वो खाना बनाने का समस्या। आज के जनरेशन के लड़के या लड़कियां को खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रहा है। कारण चेंज भी हो गया है, कारण बदल भी गया है। पहले ज़्यादातर लड़के नौकरी करते थे, अब लड़कियाँ भी बराबर काम कर रही हैं। तो दोनों काम करने के बाद जो थकावट होता है दोनों को, फिर वो खाना बनाना, जो खाना नहीं बना पा रही, तो इसका सफ़र उसके बच्चे और फिजिकल प्रॉब्लम भी होता है। खाना तो ज़रूरी है, सबको चाहिए खाना, पर उसका अरेंजमेंट के लिए, उसका इंतजाम के लिए या तो आप मेड से बनवाते हैं। ज़्यादातर अक्सर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो कोई रिश्तेदार को कोई आ गया, किसी को आसपास आ गया, दादी आ गई या नानी आ गई या कोई रिश्तेदार हैं, उन लोग से मदद मिल जाता है। खाना तो खुद ही बनाना पड़ता है जैसे भी हो, लेकिन बड़े महानगरों में ये प्रचलन चल रहा है कि मेड से खाना बनाना। तो मेड जो अगर खाना बनाती है तो उसका हाइजीन उसका देखें कि वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, हाथ के नाखून कटे हुए हैं कि नहीं उसके, वो हाथ धोती है कि नहीं आपके खाना बनाने समय में, तो ये सब का आप थोड़ा ध्यान रखिए। और कोशिश कीजिए कि वो जब खाना बनाती है तो थोड़ा उसको देखते रहने का। लेकिन अब वक्त नहीं रहता है, लोग जॉब पर चला जाता है, लड़कियां भी जॉब पे चली जाती है, चाबी दे के की दे के चली जाती है, मेड पीछे में पूरा साफ सफाई, बच्चे क्रैच में चले गए, खाना बना के उसको ढक के रख के चली जाती है, या नहीं तो बाहर से खाना मंगवाना है, जोमेटो वगैरह आजकल फेमस क्यों हो रहा है। कारण यही है कि खाना बनाने की कमी आ गई है, आजकल के बच्चे खाना नहीं बना रहे हैं, तो बेटर है कि बाहर से खाना मंगवा लो। तो वो आप एक दिन दो दिन मंथ में कर सकते हैं, बाहर का खाना दो दिन चार दिन खा सकते हैं। रेगुलर खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत रहता है, तेल बहुत रहता है, मसाले बहुत रहते हैं, जो कि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है बाहर के खाने। तो इसीलिए घर का रोज़मर्रा रोज का खाना जो है आपका सादा होना चाहिए, जिससे कि आपका हेल्थ सही रहेगा। नहीं तो ऐसे ही भाग दौड़ आपकी ज़िंदगी है, जॉब करना, आना, फिर शाम को आना, फिर मॉर्निंग में जाना, सैटरडे संडे को पूरा 7 दिन का जो पेंडिंग वर्क है उसको करना, तो उस हिसाब से। और बच्चे अगर हो गए तो बच्चे के लिए भी वहाँ जाना, पेरेंट्स टीचर मीट में है, बच्चों को कहीं ले जाना, पार्क में ले जाना है, कहीं उसका इंजॉयमेंट कराना है, या अपने भी कहीं घूमने के लिए जाना है। तो ये खाना बनाने की जो समस्या है वो हमारे समाज में आते जा रही है, ये बहुत बड़ा बिग चैलेंज आ रहा है, जिसके कारण आजकल रेस्टोरेंट वगैरह जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जबकि खाना बनाना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर आप प्लानिंग करें तो हाफ एन आवर में आपका दाल चावल सब्जी बन जाएगा, रोटी सब्जी भी हाफ एन आवर में बन जाएगा। आजकल तो पहले के लड़के तो हेल्प नहीं करते थे, मदद नहीं करते थे, लेकिन आजकल के लड़के तो बराबर के अब मदद करते हैं। अगर दोनों मिलकर प्लानिंग से अगर काम करें, ऐसा मेड रखे जो सब्जी काट दे और भी काम कर दे, बट खाना खुद अगर बनाए तो ज़्यादा बेटर। बच्चे का क्या चॉइस है, रेडीमेड बहुत खाना मिलता है तो उससे बच्चों को खिला देते हैं, पेट भर जाता है। तो यही सब कल के डेट में ये प्रॉब्लम होने वाला है कि हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बच्चे का मोटापा बढ़ रहा है, खुद का मोटापा बढ़ रहा है, बाहर का जो खाना है कुछ भी उस तरह वो सब खाना है, हेल्थ के लिए रेगुलर खाते रहने से प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अगर सादा खाना खुद भी थोड़ा स्पाइसी भी कम होगा, थोड़ा ऑयली भी नहीं रहेगा, और खुद के बनाने से एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने जो बनाया खुद के हिसाब से बनाया सही, और जो चाहिए बॉडी को उसी अकॉर्डिंग आप हेल्दी वेजिटेबल ला सकते हैं, ब्रोकली ला सकते हैं, आप कैप्सिकम ला सकते हैं, आप इसको मशरूम ला सकते हैं,
और भी तरह का आप उसको भी अलग थोड़ा सा कम ऑयल में बना सकते हैं, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं, हस्बैंड को भी खिलाएं, और आपके इन लॉज वगैरह हैं सबको दे सकते हैं। अगर इन लॉज साथ में हैं तो हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। बट खुद बनाने से क्या होता है, हाइजीन का ख्याल रहता है और अच्छा बनता है। और बाहर का खाना वीकेंड में खा सकते हैं, कभी आदमी का वह है कि घर का खाना से बोर हो गया तो बाहर का खाना खा लिया, लेकिन ये समस्या डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, खाना बनाने का समस्या। आज के जनरेशन में खाना नहीं बनाना चाहते, अगर फ्री भी है तो खाना मेड बनाएगी आपको, खुद नहीं बनाना है, बहुत बड़ी समस्या होते जा रही है। ये हम लोग इंडियन नहीं वेस्टर्नाइज की तरफ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि बाहर में तो कोई खाना बनाता नहीं, शौक से कभी बनाया उसी स्टाइल में। आजकल हम लोग भी कभी पार्टी हुआ तो सब मिलके खाना बना रहे हैं, अब बाकी खाना रोज का बाहर से आ रहा है। तो इस तरह करके अपने से अगर बनाएं तो बेटर है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा और आपको बीमारी जल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि खाना भी 70% आपके हेल्थ का ख्याल खाना रखता है, 20-30% एक्सरसाइज वॉक वगैरह करता है। लेकिन इतना आप भागदौड़ के ज़िंदगी में आपको कहाँ एक्सरसाइज का टाइम मिलता है। तो एटलीस्ट आप पौष्टिक खाना खाएंगे तो आपका हेल्थ सही रहेगा। इसीलिए अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना जो है वो खाइए। उसके लिए अगर 10 मिनट आधा घंटा आपको टाइम देना पड़े तो कीजिए, बट खाना बनाइए, खुद खाना बनाइए, जैसे भी मैनेज करना हो बनाइए, किसी मेड के हाथ से या और किसी के हाथ से ठंडा खाना वो बना के रख देता है, फिर उसको आप खाते हैं गर्म करके माइक्रो में, फ्रिज में रखा हुआ है 2 दिन का खाना उसको गर्म करके खा रहे हैं। ये अभी तो कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसीलिए हेल्दी रहने के लिए आपको ये थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपके फैमिली भी हेल्दी रहेंगे और आप खुशहाल रहेंगे, और बाहर भी जॉब करते हैं काम करने के लिए जाएंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन रहेगा अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना और अच्छे खाने से, और खुद बनाने से आपको पता चलेगा हम क्या खाएं, और बासी खाना हम नहीं खाएंगे, और बाहर का रेगुलर खाना नहीं खाएंगे। कभी घूमना हुआ, कभी हम लोग एंजॉय करने गए तो खा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।